हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसन। आज हम देखेंगे प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में। सो रिसेंटली अभी न्यूज में है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ओके, सो बेसिकली क्या है, अभी जो नेशनल गंगा काउंसिल है, ओके, अभी जो है इसका जो हेडेड है कौन है ना, पीएम, ओके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो नेशनल गंगा काउंसिल जो है अभी रिसेंटली इसका फर्स्ट टाइम कानपुर में इसका क्या हुआ ना, डिस्कशन होगा वेरियस इश्यूज में। ओके, सो प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन का जो है मेन एम है कि ये सेव करेगा एंड एनहांस करेगा पॉपुलेशन ऑफ द गैंगेटिक डॉल्फिन। ओके, ये है मेन एजेंडा ऑफ द दिस डिस्कशन में, ठीक है। और क्या है, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन ऑन दैट मीटिंग ऑफ द प्रोग्राम कॉल्ड प्रोजेक्ट डॉल्फिन अलोंग विथ क्या लाइन्स ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर ऑल्सो। ओके, सो इसमें क्या करेगा ना, क्लियर टू एनहांस द पॉपुलेशन ऑफ दिस डॉल्फिन। सो अबाउट द गैंगेटिक डॉल्फिन देखेंगे, गैंगेटिक डॉल्फिन जो है ओके, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं एंड ये लोग क्या रहते हैं ना, ब्लाइंड रहते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता एंड कैच देयर प्रे इन द यूनिक मैनर्स जो कि है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। ओके, छोड़ के क्या करते हैं ना, ये उनका जो प्रे है, उनका जो खाना है उसको कैच करते हैं एंड उनका जो जैसे क्या है ना, फ्रेश वाटर में कैसे जाना है, ओके, उनका जो है, ओके, सो वो उनका जो है अल्ट्रासोनिक जो साउंड है उसको छोड़ के वो लोग क्या ना उसको डिसाइड करते हैं। ओके, सो ये जो डॉल्फिन है ये प्रीफर होते हैं कि डीप वाटर में रहने का। ओके, एज फॉर द WWF। ओके, देन दे आर द डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द 7 states इन द इंडिया। एक तो हो गया आसाम, हो गया उत्तर प्रदेश, हो गया मध्य प्रदेश, हो गया राजस्थान, हो गया बिहार, हो गया झारखंड, हो गया एंड वेस्ट बंगाल हो गया। तो ये जो है 7 state है, तो इसमें ये जो डॉल्फिन से ये डीप वाटर्स में मिले जाते हैं। ओके, सो इनका जो नंबर से ये फिलहाल क्या है ना, ये डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये देखेंगे तो ये जो हमारा डायरेक्ट किलिंग करते हैं, ओके, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होता है बाय द डैम्स बनाते, ओके, बैरेज बनाते, ओके, सो फिशिंग नेट जो यूज करते हैं, तो उसके वजह से क्या है, डॉल्फिन का बहुत ही उसका जो पॉपुलेशन है ये डिक्रीज हो रहा है। सो प्रोटेक्शन स्टेटस देखेंगे तो गंगेटिक जो है रिवर्स डॉल्फिन से ये ऑफिशियली डिस्कवर्ड हुआ था कब ना, 1801 में। ओके, ये जो है ये ओल्डेस्ट क्रिएचर है इन द वर्ल्ड में, जो कि सम स्पीसीज ऑफ द टर्टल है। सो क्रोकोडाइल है, शार्क है, ये सब क्या है ना, ये क्या है ना, ओल्डेस्ट क्रिएचर से। ओके, सो बेसिकली क्या है, ये जो है गैंगेटिक डॉल्फिन से ये कहाँ पे लाइव होते हैं, बेसिकली क्या है ना, ये गंगा में, ब्रह्मपुत्र में, मेघना में, ओके, कर्णफुली संगू रिवर में सिस्टम में, जो कि नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश। ओके, बट नाउ मोस्टली ये क्या है, ये इनका जो पॉपुलेशन है ये डिक्रीज हो रहा है और एक्सटिंक्ट हो रहा है एज पर द WWF। ओके, सो ये 2009 में क्या हुआ ना, गंगेटिक डॉल्फिन जो है ये डिक्लेयर किया गया है इंडिया का जो नेशनल एक्वाटिक एनिमल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल गंगा रिवर्स बेसिन अथॉरिटी। ओके, सो बेसिकली ये अभी क्या है ना, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है IUCN के द्वारा। ओके, सो एडिशनल देखेंगे, गंगेटिक डॉल्फिन जो है ये शेड्यूल 1 ऑफ द वर्ल्ड जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, ओके, इसके तहत आता है, विच मीन्स दे हैव द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हंटिंग। ओके, सो दे आर ऑल्सो वन अमंग द 21 स्पीसीज जो कि आइडेंटिफाई किया गया है अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।